Good morning, all of you. Today we will read our chapter of class 7th book, An Alien Hand, and the name of the chapter is The Pope and the Anthem. Before giving introduction of the chapter, firstly I will tell you the few things about the chapter. कि ये बहुत ही interesting type of story है, जो किसने लिखी है? O. Henry. किसने लिखी है? O. Henry. जो इसके author हैं, उनका नाम है O. Henry. Name of the chapter है The Pope and the Anthem. बहुत ही interesting story है, और एक ऐसी story है जो ये दिखाती है, ये depict करती है कि कई बार हम सोचते कुछ हैं और उसका होता बिल्कुल opposite है, बिल्कुल अप्रॉक्स उसका हो जाता है. और इसमें भी जो आप देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ये कि सिचुएशंस किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह से वो सिचुएशन एकदम डाइवर्ट मोड पर आकर और टोटली चेंज हो जाती है. तो चैप्टर को रीड करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी. इसमें इंट्रोडक्शन में एक मेन करेक्टर है जिसका नाम है सोपी. क्या नाम है उसका? सोपी. सोपी क्या है? होमलेस और जॉबलेस मैन है जो वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ विदाउट डूइंग हार्ड वर्क. उसको हार्ड वर्क नहीं करना है, उसको अपनी लाइफ जीनी है और बिल्कुल ईजी तरीके से लाइफ जीनी है. और इसकी जो थिंकिंग है ना, वो आम इंसान से बिल्कुल अलग है. ये पता क्या सोचता है? ये सोचता है कि मैं कोई ऐसा क्राइम करूँ और मुझे कहाँ डाल दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए. वहां पर मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, 3-4 महीने आराम से जेल में रहूंगा. वहां पर मुझे सोने को जगह भी मिल जाएगी, खाना पानी सब मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ऐसे ही करता आया है. जो सोपी नाम का करेक्टर है इसमें होमलेस और जॉबलेस है, और वो क्या सोचता है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ, यानी कि मैं ऐसा क्राइम करूँ जिसकी वजह से मैं जेल में जाऊँ, जेल में जाने के बाद सारी फैसिलिटीज मेरे पास अवेलेबल हो जाए और मुझे कोई काम ना करना पड़े. तो इंट्रोडक्शन में मेन करेक्टर मैंने आपको बता दिया सोपी, और उसके बाद उसका लिविंग एरिया क्वेश्चन इज दैट वो रहता कहाँ है. वो एक पार्क के बेंच पर रहता है जो मेडिसन स्क्वायर में है, वहाँ की एक जगह है, और वहाँ उस पार्क के बेंच पर वो रहता है. वही उसका लिविंग रूम है, वही उसका डाइनिंग रूम है, यानी कि पूरा घर उसका वही है, वही सोता है. अब एक दिन वो वहाँ बैठा है और बैठे बैठे क्या देख रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं उन्होंने साउथ की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दिया है. लोगों ने गर्म कपड़े कोट परचेज करने शुरू कर दिए हैं. रीजन इज दैट क्योंकि साइंस ऑफ विंटर, विंटर्स आ रहे हैं. देखो अब एक कॉमन सी बात है, अगर बेंच पे एक इंसान रहता है, सोता है, वही उसका लिविंग रूम है, गर्मियों में तो वो ज्यादा से अपने दिन निकाल लेता है, लेकिन जब विंटर्स आएंगी तब क्या होगा? तो वो यही बेंच पर बैठा है और यही चीजें सोच रहा है. आपका बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाट आर द साइंस ऑफ विंटर इन दिस लेसन. फर्स्ट क्या है? बर्ड्स स्टार्ट बिगिन फ्लाई टू साउथ. दूसरा है कि क्या हो गया है, चिल्ड्रन और सभी लोगों ने क्या खरीदना शुरू कर दिया है, मॉम क्लोथ्स खरीदने शुरू कर दिए हैं, और जो डेड लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो नीचे जमीन पर गिर रहे हैं. अब थिंग इज दैट शेल्टर 3 months ब्लैक वेल आई. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो बैठा हुआ सोच तो रहा है कि भाई अब गर्मियां तो निकल गई, लेकिन सर्दियों में बेंच के ऊपर बैठकर कैसे टाइम मतलब स्पेंड करूंगा. वो सोचता है कि अब मुझे वही अपना काम करना चाहिए, पहले वाला जो मैं हमेशा हर साल सर्दियों में करता हूँ. क्या करता हूँ? क्राइम करता हूँ. कोप होता है सिपाही, पुलिस वाला, तभी है. वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा, 3 महीने वो मुझे ब्लैकवेल आइलैंड वहां एक प्रिजन जेल में डालेगा, और मेरे 3 महीने सर्दियों के आराम से निकल जाएंगे. सर्दियों के बाद जब मैं वहां जेल से छूट जाऊंगा तो वही गर्मी में फिर अपना उसी पार्क में उसी बेंच पर बैठूंगा. तो ये है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन. अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको पूरा उसका बता दिया कि इसमें क्या क्या अब आएगा. अब वो अटेम्प्ट्स बनाएगा, अटेम्प्ट्स लगाएगा. किस चीज के अटेम्प्ट्स लगाएगा? कि वो किस तरह जेल में दोबारा जाएगा, कि वो प्रीवियस कई सालों तक तो ऐसा ही करता आया है, क्योंकि काम तो वो भी करता नहीं था, पहले ही करता था, मैंने वो एक होमलेस और जॉबलेस मैन था. अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको समझाऊंगी कि वो किस तरह के अटेम्प्ट्स लगाता है ताकि वो क्या कर सके, वो कोई ऐसा क्राइम करे जिस क्राइम की वजह से वो जो पॉप है उसको कहां डाल दे, जेल में डाल दे. ओके, थैंक यू. वी विल मीट अगेन.